नमस्कार दोस्तों, देखिए हम एक फ़ैन लेके आए हैं। ये हाई स्पीड फैन है, ये तीन पंखुड़ी वाला। ये इसमें दिक्कत ये है कि ये चल नहीं रहा है। देखिए पंखा तो नया है फिर भी ये चल नहीं रहा है, क्या वजह हो सकती है इसको देखिए खोल के देखते हैं। देखिए फ्री भी घूम रहा है, जाम भी नहीं है कि जाम हो तो दिक्कत हो, लेकिन फ्री है। देखिए यहाँ पे सारे वायर को हम निकाल लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हम मल्टीमीटर से, इसको भी निकाल लेंगे यहाँ से। ये जला भी नहीं है, फूका होता तो ये होता कि फूक गया है, ये फूका भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मीटर से चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसमें देखिए तीन वायर निकले हुए हैं, चेक करते हैं। देखिए मीटर से इसको चेक करेंगे हम, यहाँ पे रेड वाले में जोड़ेंगे, तो बाकी दोनों वायरों में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा, जबकि रीडिंग शो करना चाहिए। इसमें देखिए इसमें भी नहीं शो कर रहा है, इसमें शो कर रहा है, एक में एक वायर में देखिए शो कर रहा है, दूसरे वायर में नहीं शो कर रहा है, जबकि दोनों वायरों में रीडिंग शो करना चाहिए, तभी हमारा पंखा सही है। चलिए इसको खोल के देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोगों को। देखिए इसको इस तरह से खोलेंगे, ये उल्टा खुलता है। हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसको फटाफट देखिए हम खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार नट लगे हुए हैं, ये आगे से खुलेगा। इसको पहले जाली को निकाल लेंगे खोल के। ये वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ है क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि हाँ किस तरह से खोला जाता है, खोलने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने सोचा चलो इसको खोल के भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे तीन नट लगे हुए हैं, इनको भी खोल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए आप प्लास की मदद से भी खोल सकते हैं। जब पंखा जला नहीं है फिर भी नहीं चल रहा है तो अंदर कोई भी वायर शॉर्ट हो सकता है, उसको खोल के चेक कर लें। बस यही दिक्कत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो कोई वायर छूट गया होगा अंदर से। इसको देखिए इस तरह से ठोक के निकाल लेंगे पीछे से, इसको भी निकाल लेंगे हम। देखिए ये आगे का पोजीशन है, अब इस पीछे का पोजीशन भी निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इसमें रोटर भी लगा हुआ है जो घूमता है इसके अंदर। देखिए ये तो ये भी फ्री है, पंखा जाम होता है तब नहीं घूमता है, या तो कोई वायर शॉर्ट हो जाए तब ऐसी दिक्कत आती है। देखिए पंखा पूरी तरह से सही है, जला भी नहीं है। इसको साफ करके चेक करेंगे, बहुत धूल है इसमें, धूल जमा हो जाती है। इसको मीटर से हम चेक करेंगे फिर से, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। निकाल के ये नहीं निकलेगा, चलो इसी तरह से। यहाँ पे ये धागे बंधे हुए हैं, इसको धागों को काट के निकाल लेंगे। जब ये धागे निकालेंगे तभी फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी धागे से सब वायर बंधे हुए हैं। जहाँ पे ये वायर जुड़े हुए हैं इनको हमको निकाल लेना है। देखिए एक वायर ये मिला है, ये यहाँ से शॉर्ट है। देखिए यहाँ से ये कट चुका है। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये दो एक कॉइल के दो वायर हैं, ये जो वाइट कलर में हैं दो,
ये एक ही कॉइल का वायर है। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है क्योंकि एक ही कॉइल के दो वायर हैं। अब ये देखिए रेड वाला वायर और एक दूसरा वायर रेड का होगा तो वो दूसरी कॉइल का होगा। देखिए ये यहाँ से जल चुका है, यहाँ से कट चुका है, इसी वजह से इसमें सप्लाई नहीं जा रही थी। ये रेड के दो वायर हैं, दो वायर रेड के होते हैं और दो वायर दो रनिंग के होते हैं और दो स्टार्टिंग के होते हैं। अगर इनमें से कोई एक वायर नहीं होगा, उसमें सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारा फैन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें, इसमें दो कॉइल भरी होती हैं और दोनों कॉइल में जो दो सिरे होते हैं, एक कॉइल में दो सिरे होते हैं आगे पीछे, उन दोनों कॉइल में अगर सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारा फैन चलेगा ही नहीं। इसलिए ये देखिए दोनों कॉइल के वायरों को आपस में चेक कर लें। देखिए यहाँ पे ये सही दिखा रहा है क्योंकि ये सही है, जला नहीं है इसलिए सही दिखा रहा है। खाली इसका वायर कट गया था अंदर से। यहाँ पे हम रेडी कलर का दूसरा वायर यहाँ पे जोड़ देंगे इसी में। देखिए पहले इसमें स्लिप डाल देंगे अंदर ताकि ये टच ना हो। यहाँ पे रेडी कलर का हम दो वायर जोड़ देंगे। इसमें दो वायर रेड के लगाए जाते हैं और दो वायर वाइट के भी लगा देते हैं, ब्लैक भी लगा देते हैं ताकि इससे हमें पता रहे कि ये दो वायर रनिंग के हैं, ये दो वायर स्टार्टिंग के हैं। जो एक ही कॉइल के वायर होते हैं, एक ही कलर के वायरों को हम जोड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कनेक्शन करने में भी और चेक करने में भी। ये देखिए दूसरे कॉइल का वायर है, यहाँ पे भी ये हीट हो जाता है, हीट हो जाने की वजह से जल के कट जाता है। इसको हम उल्टा लगा देंगे, इधर से इसको काट के हम यहाँ से उल्टा लगा देंगे ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। इसमें पेंट लगा होता है, पेंट को चारों तरफ से घुमा के छील लें। अगर पेंट को नहीं छीलेंगे उसी तरह से जोड़ देंगे वायर तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी तो पंखा हमारा चलेगा नहीं, तो फिर परेशान होंगे कि क्यों नहीं चल रहा है। इसलिए इसमें जो पेंट लगा होता है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, साफ करके फिर इसमें वायर जोड़ें। देखिए हमने इसको काट के दोबारा से जोड़ा है, इसको चेक करके देखते हैं। देखिए इसमें रीडिंग शो कर रहा है, ये रनिंग का कॉइल का वायर है दोनों, ये दोनों कॉइल रनिंग के, ये दोनों स्टार्टिंग के हैं। इनको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब इसको हम उसी तरह से बांध देंगे जिस तरह से बांधा था, अपने हिसाब से बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांधा इसलिए जाता है कि ये वायर जो रूटर अंदर घूमता है उसमें ना टच हो, ताकि कोई दिक्कत हो, इसको इसलिए धागे से बांधा जाता है। देखिए हमने इसको धागे से चारों तरफ से अच्छे से बांध लिया है। देखिए दो रेड के हैं, दो वाइट हैं, दो रनिंग के हैं या दो स्टार्टिंग के वायर हैं। इनको हम चेक करेंगे मीटर से, बांधने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लें इनमें रीडिंग शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बांधते समय भी वायर खिंच जाता है, इसलिए इसको चेक कर लें बांधने के बाद भी। देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, ये वाइट वाइट में शो करेगा, ये रेड रेड में शो करेगा, रेड और वाइट में नहीं शो करेगा। देखिए ये वाइट वाइट में देखिए शो कर रहा है और रेड में लगाएंगे तो रेड में नहीं शो करेगा, क्योंकि वो दूसरी कॉइल का वायर है।
इसमें नहीं शो करेगा। अब देखिए बल्ब से चेक करके दिखाते हैं, 100 वाट का बल्ब है ये, देखिए ये रेड रेड में जलेगा, वाइट में नहीं जलेगा। अब ये वाइट वाइट में जलेगा और रेड रेड में जलेगा और दूसरे वायर में नहीं जलेगा। अगर ये हाफ जलता है, फुल नहीं जलता है तो मतलब सही है। अगर ये यहाँ पे बल्ब फुल ग्लो हो रहा है तो आप समझ लें कि हमारी कोयल गड़बड़ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम कस देंगे उसी तरह से। इसमें दिक्कत यही थी कि एक वायर कट गया था और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। जिस तरह से हमने फिट किया था उसी तरह से इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे। देखिए दोनों वायरों को, जो अंदर वायर हैं इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर की तरफ इस तरह से। इस तरह से निकाल लें, जिस तरह से लगा हो उसी तरह से लगाएं, उल्टा मत लगा दें क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है सेट करने में। इसलिए जिस तरह से लगा हो उसी तरह से इसको सेट करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आगे यहाँ पे अगर ग्रीस जो बैरिंग लगी हुई है उनको भी देख लें, अगर जाम समझ में आ रहे हैं तो उनको साफ़ करके आप ग्रीस लगा दें ताकि बाद में दोबारा खोलना ना पड़े। इसलिए बैरिंग भी चेक कर लें। यहाँ पे इन नटों को लगा देंगे। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए ये भी सभी को अच्छे से कस दें, एक बार इसको घुमा के देख लें क्योंकि कसने के बाद भी जाम समझ में आने लगता है। इसलिए जब इसको टाइट करें तो इसको घुमा के देख लें सॉफ्ट को, ये फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हम चेक करके दिखाएंगे, यहाँ पे टेप लगा देते हैं ताकि दिखाई दे कि ये घूम रहा है। यहाँ पे हम कैपेसिटर को लगाएंगे, एक वायर हम वाइट में जोड़ेंगे और एक वायर कैपेसिटर के वायर हम पहले रेड और वाइट को हम दोनों एक साथ में जोड़ देंगे। ये अलग अलग कॉइल के, एक स्टार्टिंग का है एक रनिंग का है, दोनों कॉइल को एक आपस में जोड़ देंगे और एक कैपेसिटर में एक रेड वाला जोड़ेंगे और एक वाइट वाला जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए एक रेड वाला है और एक वाइट वाला है कैपेसिटर में, और एक रेड वाला है और एक वाइट वाला है, जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे लाइट का वायर जोड़ेंगे, एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे और दूसरा वायर जो होगा उसको हम रेड वाले में जोड़ देंगे। अगर रेड वाले में जोड़ देंगे यहाँ पे, फिर घुमा के देखेंगे, अगर सही घूमता है तो ठीक है, अगर उल्टा घूमता है तो वो रेड वाला वायर फिर वाइट वाले में जोड़ देंगे। इसको चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से घूम रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत यही था कि अंदर से एक वायर कट गया था, ज़्यादातर यही दिक्कत होती है। अगर उल्टा घूमता है तो ये रेड वाला वायर निकाल के हम वाइट वाले वायर में जोड़ देंगे। कैपेसिटर में ही जोड़ना है, जो कैपेसिटर में दो वायर हैं एक से निकाल के दूसरे वायर में जोड़ना है, और इस जो बिन जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है उसमें नहीं छेड़खानी करनी है, खाली जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसी को चेंज करना है। चेंज करके देखना है कि सीध घूम रहा है उल्टा घूम रहा है। यहाँ पे देखिए जाली लगा देंगे इस तरह से,
नटों को, चारों नटों को कस देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हिले डुले ना। इसको ध्यान पूर्वक काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसको घुमा के देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको पंखुड़ी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से पंखुड़ी लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। इसको उल्टा देखिए, घुमाएंगे तो ये टाइट होगा और सीध घुमाएंगे तो ये खुलेगा। इसमें यही खासियत है। इसको देखिए, इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये खुलेगा और देखिए घूम रहा है, ये टाइट हो चुका है। यहाँ पे वायर लगा के चेक करेंगे कहीं उल्टा तो नहीं घूम रहा है। इसको एक बार चेक कर लें, बाद में फिर इसको कस देंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं लाइट के वायर लगा के। देखिए ये वायर लाइट का वायर है, इसको लगाएंगे। देखिए घूम तो रहा है लेकिन ये उल्टा घूम रहा है। देखिए हवा एक भी नहीं आ रही है। इसको हम अब वायर उल्टा लग जुड़ गया है। जो ये कैपेसिटर में रेड वाला वायर है इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के वाइट वाले वायर में जोड़ेंगे। इसको कैपेसिटर के वायर में ही जोड़ना है। अब इसको चेक करेंगे और कुछ नहीं करना है, खाली एक वायर निकालना है और दूसरे कैपेसिटर के वायर में जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए चेक करेंगे यहाँ पे। अभी इस तरह को घूम रहा है, देखिए। अब देखिए इस तरह आपको घूमने लगेगा। देखिए अब सीधा घूम रहा है ये। अब हवा भी आ रही है, देखिए देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है ये। इसी तरह से आप किसी भी पंखे को रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी पंखा हो। अगर वो फूका नहीं है, जला नहीं है, तो इसके चारों वायरों को आप, क्योंकि हर पंखे में दो कॉइल लगी होती हैं और दो कॉइल के दो दो वायर निकले होते हैं, चार वायर कुल मिला के निकले होते हैं। चारों वायरों को चेक करें, अगर उनमें रीडिंग नहीं शो हो रही है तो आप उनको अंदर से खोल के चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये अंदर से कट जाते हैं, इसकी वजह से उनमें सप्लाई नहीं जाती है, जिससे वो चलते नहीं हैं, बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसको फिट कर देंगे हम, यहाँ पे जाली लगा देंगे। देखिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।